हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कल वाला व्लॉग यार मैं एंड करना ही रह गया था क्योंकि इतना ज्यादा थक गए थे हम 16-18 घंटे ट्रैवल करने के बाद। 24 घंटे से भी ज्यादा हम जागे हुए थे लगातार, तो उसके बाद हालत ही नहीं बची थी एंड करने व्लॉग की। बट आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि होपफुली हम फोर्ड के शोरूम जाने वाले हैं एंड वहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें एवरेस्ट या फोर्ड एंडेवर, जो इंडिया की बहुत डिमांडेड कार है आज की डेट में, वो चलाने को मिलती है कि नहीं। फिलहाल तो मैं पीछे की तरफ आया हूँ होटल के, यहाँ पर पीछे थोड़ी ग्रीनरी थी तो हमने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, घूम लेते हैं। थोड़ा घूम रहे हैं, इसके बाद एक फैक्ट्री विजिट करने जाना है, वहाँ पे जाके कुछ डील करनी है, कुछ बातें करनी है। तो वो सब तो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा ब्लॉग में, बट हाँ जो भी बाकी चीजें वो सारा का सारा दिखाऊंगा आपको। फिलहाल बज रहे हैं 8:30, इसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद जल्दी से निकलेंगे। टाइम थोड़ा कम है तो जल्दी जल्दी निकलता हूँ और आपको सीधा रास्ते में मिलता हूँ। फिलहाल आए हुए हम सारे इंडस्ट्री ले रहे हैं और यहाँ की गाड़ियाँ एक बार आपको दिखा देता हूँ कि जो इंडस्ट्री मैन, जो बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ के, वो क्या यूज़ करते हैं। एक सिविक यहाँ पे खड़ी हुई है, एक और सिविक यहाँ पे खड़ी हुई है, एक तीसरी गाड़ी ये गीली या ग्ली ऐसा कुछ नाम है इसका, और यहाँ पर फिर एक टोयोटा करोला खड़ी हुई है। टोयोटा करोला के साथ पीछे एक और कोई गाड़ी खड़ी हुई है, ये भी इंडिया में नहीं आती एंड ये भी कोई चाइनीज़ लोकल ब्रांड ही लग रहा है मुझे। एंड फिर एक होंडा CRV है यहाँ पर एंड एक VW की सेडान है ये लैविडा 1.6। तो 1.6 से मोस्ट लाइकली MPI होगी क्योंकि डीजल कार्स जो हैं वो चाइना में ऑलरेडी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है। डीजल कार्स मैंने अभी तक तो कोई भी एक डीजल गाड़ी नहीं देखी, तो 1.6 की हाई पॉसिबिलिटी MPI हो। एंड आगे फिर वही है टोयोटा करोला जिसके अंदर हम आए थे, जो मैंने आपको भी दिखाई थी। एक और CRV खड़ी है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली अब हम कोई गाड़ी रेंट करने वाले हैं इस पूरे ट्रिप के लिए एंड यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लाइंड अप है। सीधा दिखा देता हूँ मैं आपको, ये A6 खड़ी है एक, ये एक अकॉर्ड खड़ी है, साथ में वॉल्वो S90 खड़ी है, फिर एक ये शेवरले की मोंजा है ये खड़ी है, एक और मोंजा खड़ी है, फिर एक टोयोटा की है, एक यहाँ पर और कोई चाइनीज़ ब्रांड खड़ा है, फिर एक टिगवान है। टिगवान मैंने पूछा तो टिगवान उन्होंने बोला कि ये सेम इंजन है तो इस वजह से मैं ये नहीं ले रहा। फिर एक पसाट वहाँ खड़ी है, अब हमने ये भी सोचा था कि पसाट ले लेते हैं बट पसाट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये है आती है यहाँ पे जो ये वाली पसाट अवेलेबल है 1.5 TSI है, तो मैंने सोचा 1.5 TSI तो हम दिल्ली में ही कितना चला लेते हैं वोल्टेज के अंदर जो इंजन आता है, तो इसलिए वो भी रहने दिया। अब फिर हमारे पास ऑप्शन बच रहा था वॉल्वो लेने का क्योंकि ये अवेलेबल, अभी ऑडी अवेलेबल नहीं है, अकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो वॉल्वो ये साथ में एक अल्टिमा जो खड़ी है सामने निसान की, उसका भी ऑप्शन था। अल्टिमा मेरे को सनी बोल रहा हूँ, निसान चलाने का मन नहीं कर रहा आज। शेवरले एंड फिर वॉल्वो ही बचती तो शेवरले पे ही जा रहे हैं हम क्योंकि वॉल्वो भी नहीं चलानी मुझे, वॉल्वो में भी चलाने में मज़ा नहीं आएगा। अमेरिकन कार चलानी थी, काफ़ी टाइम हो चुका है कोई अमेरिकन कार चलाए हुए। एंडेवर भी चला लेंगे, अभी फिलहाल हमें एंडेवर तो नहीं मिली यहाँ पे रेंट करने के लिए, तो अवेलेबल नहीं है। हमने 2-3 जगह पता किया था लेकिन फिर वही है, अमेरिकन कार चलानी थी तो इसलिए शेवी ले रहे हैं हम। प्राइस सबका सेम था, 3-4 युआन का फ़र्क था, मतलब कि 300-400 रुपए का, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है किसी भी प्राइस में यहाँ पे। एंड गाड़ियाँ काफ़ी इकोनॉमिक है, अगर आपको रेंट करनी हो 1500 से 2000 के बीच में हो जाएंगी। अगर आपको टिगवान भी लेनी हो वो भी 2000 तक की है, प्राइस रेंज की कोई इशू नहीं था, बट ये है कि गाड़ियाँ सारी अवेलेबल नहीं है वरना हम ले लेते कोई और। पसाट जो आपको देख रहा होगा वेरियंट दिख रहा होगा 15 इंचेस वाले स्पेक्स में आती है क्योंकि ये लोएस्ट ट्रिम में है, तो इस वजह से इसको नहीं ले रहे हम। अरे बड़ी सस्ती है, शेवी ले रहे हैं। हाँ सस्ती है ना, रेंट बहुत कम है इनका। हाँ रेंट काफी कम है। ऑडी भी बड़ी सस्ते में मिल रही है। हाँ ऑडी है कहाँ लेकिन अवेलेबल, 2 से 2500 रुपए मिल जाएगी, 2000 रुपए में। बस यही सीन है अभी क्योंकि शेवी इनकी लेटेस्ट गाड़ी भी है, पूरे इस बैच में लेटेस्ट एडिशन यही है एंड इसके अंदर फीचर्स भी काफी ज्यादा थे एज कम्पेयर टू अदर्स एंड इसके चलाने में भी थोड़ा मजा आएगा। अभी आया था मैकडोनल्ड्स कुछ खाने पीने के लिए और यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ी गाड़ी दिख गई, VW की टेरामाउंट है ये। अब ये गाड़ी का तो मैंने नाम ही पहली बार सुना है, मेरे को एमरॉक लग रही थी ये, एमरॉक साइड प्रोफाइल सी क्योंकि ऐसी है, थोड़ी बड़ी सी है, बुच सी है काफ़ी। ये गाड़ी इतनी बड़ी है गाइस, ये लिटरली एंडेवर सेगमेंट की लग रही है और एंडेवर से इनफैक्ट बड़ी लग रही है। अगर मैं दिखाऊँ इसको साइड से एक बार F-150 दिख जाए उसके बाद ही उससे कंपेयर करके बता पाऊँगा ढंग से, बट इसका भी स्टांस काफ़ी ज़्यादा अपराइट है,
थोड़ा सा वो स्लीकनेस है जो VW की होती है, बट ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है गाड़ी। एंड इसकी अगर हाइट की बात करूँ तो हाइट आपको दिख रही होगी कि इस गाड़ी की मेरे से ऑलमोस्ट 2 इंच के आसपास कम है, 6 फुट की लग रही है मुझे। मेरी हाइट 6 फीट 2 इंचेस है फॉर रेफरेंस, जिनको नहीं पता मोस्टली लोगों को पता ही होगी। इतनी ज्यादा रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी की, 255/55R19 का टायर साइज, और साइड प्रोफाइल इतनी मोटी लग रही है, कॉन्टिनेंटल के टायर्स हैं, काफी अच्छी लग रही है भाई ये गाड़ी। रोड प्रेजेंस इतनी ज्यादा है इसकी, ये गाड़ी जो है पीछे से ज्यादा अपीलिंग लग रही है इफ यू कंपेयर टू द फ्रंट, क्योंकि फ्रंट इसका थोड़ा सा VW की कार्स जो है थोड़ी सी सेडान टाइप की ही लगती है, इनका थोड़ा सा फेशिया ऐसा होता है कि ये थोड़ी सी सेडान ही लगती है, बट रियर में काफी बुच है, काफी बड़ी लग रही है, काफी सुंदर लग रही है। एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको। और ये गाड़ी भी वही सेम इंजन यूज करती है जो इंडिया में सारी 2 लीटर TSIs यूज करती है, विच इज द इनलाइन 4 टिगुआन कोडियाक और जितनी भी ये सारी गाड़ियां ऑडी A4 A6 और मतलब जितनी भी इनकी 2 लीटर वाली कार्स है, ऑक्टाविया ले लो, ऑक्टाविया VRS ले लो जो Mark 3.5 आती थी, उन सब में यही सेम इंजन है। एंड इस इंजन की स्पेक्स इस गाड़ी के अंदर 220 BHP वाली है, जो कि एक फुल्ली फ्लेज 245 के बराबर भी नहीं है, एंड एक स्टॉक फॉर्म से भी ऊपर है 188 BHP से ऊपर, तो हमारी गाड़ी के लिए इनफ होगा शायद। और साथ ही में एक यहाँ पे आ रही है बैटरी, पावर बैंक चल रहा है यहाँ पे, एक टेस्ला थोड़ा ना, लेकिन हाँ ये भी पावर बैंक है, ये कैडिलैक है। टेस्ला पता नहीं क्यों पसंद है लोगों को, मुझे तो पसंद नहीं आ रही, सामने से भी नहीं पसंद, वैसे भी नहीं पसंद, कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद ईवीस का। तो मिशलिन यूज़ करती है, लेकिन ये 225/40 मॉडल वाई हाँ, इनके मॉडल X, मॉडल Z, मॉडल Y आते हैं। पेन बाय टेस्ला, नो यू डोंट लाइक इट गाइस, बेन ने भी मना कर दिया कि टेस्ला बेकार चीज़ है, तो टेस्ला अच्छी बात नहीं है यार, सबको आइस इंजन में रहना चाहिए और डीजल कार्स लेनी चाहिए। सो गाइस फाइनली अब मैं ये शेवी इतने टाइम बाद चला रहा हूँ इंडिया में, तो मैंने खैर कभी चलाई नहीं थी, मेरा फर्स्ट टाइम है ये गाड़ी चलाते हुए। एंड इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ यही है कि इसका ट्रांसमिशन इंजन दोनों के दोनों बहुत वीक है, नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर इंजन यूज़ करती है ये। एंड इस गाड़ी के अंदर पावर 111 BHP है, 144 Nm ऑफ टॉर्क है, ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी, वरना फिर तो Passat ही ले लेता मैं। मैंने सोचा था 1.5 लीटर TSI है उसके अंदर, तो 1.5 TSI तो वोटर्स के अंदर भी आता है, तो कुछ डिफरेंस तो होगा नहीं, वो चीज़ फिर भी बेटर होती है क्योंकि प्राइस सेम था दोनों का, मुझे लगा सेम प्राइस की है, सिमिलर इंजन स्पेक्स होंगे, लेकिन इंजन स्पेक्स सिमिलर नहीं है इसके, क्योंकि ये NA यूज़ करती है 1.5 लीटर का, 111 BHP। अगर मैं इसको अभी फॉर एग्जाम्पल 90 पे फुल थ्रॉटल देता हूँ, गाड़ी इतनी धीरे धीरे स्पीड्स क्लाइम करती है एंड चल ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है बहुत आराम से चल रही है, बिल्कुल ही ग्रंट नहीं है गाड़ी के अंदर, एक एक किलोमीटर पर आ रहा ऐसे बढ़ रहा है जैसे बड़ा स्ट्रगल कर रही हो गाड़ी। एंड एक्चुअली स्ट्रगल कर रही है क्योंकि वेट भी काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी का, 1500 किलो के ऊपर गाड़ी है, तो क्लियरली उस चीज़ से फ़र्क तो पड़ेगा ही, बट बाकी चीज़ें अच्छी है। स्टेयरिंग में वेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगा नहीं था इतना वेट होगा, एंड फील भी डिसेंट है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगा बट हाँ अच्छी है, ये जर्मन्स के लेवल पे नहीं है बट जितने भी बाकी मार्केट में इंडियन कार्स आती थी उन सबसे बेटर है, क्योंकि अमेरिकन कार्स जो हैं बेस्ट नहीं होती लेकिन ठीक होती है ड्राइविंग फील एंड डायनामिक्स के मामले में। एंड अर्गोनॉमिकली भी गाड़ी काफ़ी सॉर्टेड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका पूरा लेआउट काफ़ी अच्छा है, DCT ट्रांसमिशन भी इनका ठीक है, शिफ्ट तो ठीक है गाड़ी के, लेकिन वही है कि गाड़ी के इंजन में पावर नहीं है, टर्बोचार्ज नहीं है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, प्लस 1.5 लीटर का इंजन है, 1500 किलो के ऊपर की गाड़ी, तो क्लियरली उससे फ़र्क पड़ रहा है, बट गाड़ी वैसे चलने में ठीक है एंड डेली ड्राइविंग के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है। इंडिया में तो खैर आने नहीं वाली है बट फिर भी गाड़ी ठीक है ये। वैसे एक बार और थोड़ा सा फ्लोर करके देखता हूँ, 5000 RPM पे गियर चेंज कर देती है ड्राइव मोड में, मैनुअली मैं स्टिक करके होल्ड नहीं कर रहा गियर को, मैनुअली स्टिक करूँगा तो शायद थोड़ा सा और रेव हो जाएगी, बट 5000 RPM तो TDI इंजन या डीजल इंजन ही रेव कर लेते थे। इट इज़ नॉट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंजन एंड परफॉर्मेंस गियरबॉक्स कैलिब्रेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो है DCTs के मामले में, क्या कर सकते हैं, वो भी गलती, 3 दिन के लिए ले लिया है गाड़ी, देखते हैं अब कैसी चलती है, क्या एक्सपीरियंस कैसा रहता है। फ्यूल इकोनॉमी भी डिसेंट है गाड़ी की, इतनी कोई बेकार नहीं है पर इतनी कोई खास भी नहीं आ रही, बट गाड़ी का सीटिंग कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि किसी और अमेरिकन कार का होता है, जैसा एंडेवर का था, इको स्पोर्ट का था, बहुत कंप्लाइंट, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत प्लाइंट सस्पेंशन, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है गाड़ी उस एस्पेक्ट में। आफ्टर ऑल मोनोकॉक सैशी पे बेस्ड है, इट इज़ नॉट अ लैडर फ्रेम सैशी, ऑब्वियसली सेडान्स के लिए कौन यूज़ करता है, वैसे गाड़ी काफ़ी सॉर्टेड है इन सब चीज़ों में। तो गाइस अभी के ट्रिप की बात करते हैं, 7.5 लीटर पर 100 किलोमीटर की एवरेज दे रही है, मतलब 14 के अराउंड दे रही होगी ये, एंड 34 किलोमीटर्स के लिए भी ड्रिविन द कार, ठीक है गाड़ी की एवरेज इतनी कोई बुरी नहीं है, पर
वही है, पावर की कमी है, फ्यूल इकोनॉमी और एक इकोनॉमिक कार के हिसाब से सही है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए। पर वही है, बेस मॉडल है, बेस वेरिएंट्स है, ऊपर के वेरिएंट्स में टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी आता है इसके अंदर, माइल्ड हाइब्रिड भी आता है, तो उस हिसाब से ठीक है गाड़ी, कम्यूट के लिए ठीक है गाड़ी। अभी एक बार ही गाड़ी को लॉन्च करके देखेंगे एंड उसके बाद फिर आपको लॉन्च का एक्सपीरियंस दिखाऊंगा, 0 to 100 दिखा दूंगा। स्टार्ट कर दी। सो गाइस, गाड़ी को एक बार लॉन्च करके देख लेते हैं, डीसीटी कितना रेव होता है यहाँ का। 2000 आरपीएम तक हो रहा है, स्पोर्ट में है गाड़ी एंड साथ ही में एसी भी ऑफ है। नहीं, रो रहा है इंजन, बट हाँ 0 to 100 ठीक है, थोड़ा पेपी है गाड़ी, इतनी स्लो भी नहीं लगी, डिसेंटली क्विक लगी। 0 to 100 अराउंड 10 seconds होगा इस गाड़ी का। खाली पैच ऑफ रोड यही था, गली में ही होता है यहाँ पे, क्योंकि मेन रोड्स पे तो कैमराज है हर जगह पे, बट डिसेंट है गाड़ी, पुल भी डिसेंट लगा, इतना कुछ खास नहीं था। एक और बार लॉन्च करके बाद में देख लेंगे, बट अभी हमें जहाँ जाना है फैक्ट्री एक विजिट करनी है, वहाँ जाके कर लेते हैं। सो गाइस, एक बार और इसको गाड़ी को लॉन्च कर रहे हैं, मैनुअल 2000 आरपीएम तक रेव हो रही है एंड देखते हैं इस बार 200 अगर क्लॉक कर पाए तो। 50 60 70 80 90, नहीं 100 तो नहीं जा पाए क्योंकि कैमरा है आगे, लेकिन 50 60 तो क्लॉक कर लिया था हमने। व्हेन यू आर प्लेइंग हिंदी म्यूजिक, वाओ, सुबह हिंदी म्यूजिक चला दिया बहन भाई ने हमारे एंड कॉपीराइट ना लग जाए इसलिए वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, उसके बाद यही सुनते हुए चलेंगे। सही है यार, गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है, मज़ा आ रहा है गाड़ी को चलाने में, काफ़ी देर से चला रहा हूँ गाड़ी एंड सही, अच्छा एक्सपीरियंस है इसके साथ। तो गाइस, आज तो हम नहीं ले पाया एवरेस्ट की ड्राइव, क्योंकि यार भाई काम में बहुत ऑक्यूपाइड थे, टाइम ही नहीं मिला, और डिनर अभी किया हमने, दिल्ली के 7:30 बज रहे हैं, मतलब यहाँ 10 बज चुके हैं और 10 के हल्का ऊपर ही हो गया, तो इस चक्कर में ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। पर इस गाड़ी को आज हमने काफ़ी चलाया, 250 किलोमीटर के आसपास चला दिया ये गाड़ी एक दिन के अंदर एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मोस्टली ड्राइविंग सारी मैंने ही करी है एंड मज़ा आ गया इस गाड़ी को चलाने में, ज़्यादा भगा ही नहीं क्योंकि भाई यार लॉज थोड़े डिफरेंट हैं तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर नहीं सकते, 100 120 के ऊपर नहीं गया मैं, बट काफ़ी अच्छा था एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है। से बाय बहन। The next day. So guys, तीसरा दिन अब हमारा फाइनली स्टार्ट हो चुका है एंड अभी हम जा रहे हैं फिर से और एक फैक्ट्री विजिट करने के लिए। हमारे एकदम सामने पास में मैकडॉनल्ड्स है और साथ में गाड़ी है। नो यू ड्राइव, यू ड्राइव, आई वोंट ड्राइव, आई लीड। और ये मैंने अंगूर निकाल लिए तो अब अंगूर खाऊंगा भी गाड़ी में बैठ के, क्योंकि नाश्ता नहीं किया, नाश्ता जो हम गए खाने के लिए लेट हो गए थे। साथ में एक TSI VW की कोई गाड़ी है, Passat जैसा डिज़ाइन लग रहा है, उस जनरेशन का लग रहा है, 2013 से 2010 वाला जो था एंड काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं यार यहाँ पे। VW की इतनी सारी लाइन अपनी गाड़ियाँ मेरे को पता ही नहीं था होंगी, बहुत सारी गाड़ी, जैसे मारुति है इंडिया में वैसे यहाँ पे VW है, इतनी जगह, इतनी जगह, हर जगह टैक्सीज में VW, हर चीज़ में VW। वही है कि यार दिल्ली बोल रहा हूँ, इंडिया में नहीं है इतना कुछ, इंडिया में भी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम अपनी मोन्जा में जा रहे हैं, होपफुली गाड़ी एक्सचेंज हो जाएगी हमारी, Passat ले लेंगे हम, और अगर गाड़ी एक्सचेंज नहीं हुई तो वैसी गाड़ी ले लेंगे, चला के देख लेंगे एंड आपको पूरा एक उसका होलिस्टिक रिव्यू सभी दे दूंगा मैं। गाइस, अभी टाइम हो रहा है 4:57 हो रहा है, ये अपडेट वीडियो ही है क्योंकि अभी मेरे को इस टाइम तक फोर्ड पे होना चाहिए था, पर फोर्ड पे हम जा नहीं पाए हैं, वो इसी रीज़न से क्योंकि हमारा माल अभी यहाँ से कुछ हमें उठाना था एक फैक्ट्री पे आके, यहाँ पे थोड़ी मुश्किल हो रही थी इस फैक्ट्री के ओनर के चक्कर में, कुछ सीन हो गया था तो वो बता नहीं सकता, वो सब कुछ पर्सनली हमें आके यहाँ से सामान लेना पड़ गया और हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है। तो यही अपडेट देना था यार कि अभी इस टाइम पे हमें फोर्ड पे होना था, पूरा शेड्यूल ऐसा ही था कि 4 के आसपास फोर्ड पहुँच जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। तो देखते हैं अब जैसा ये प्रोसीड करता सारा काम, ये हो जाए यहाँ कंप्लीट, उसके बाद निकलते हैं फिर यहाँ से। गाइस, सामान उठाने के लिए हमने मंगवाए यहाँ पे एक कैब और एक कैब हमने थोड़ी बड़ी मंगवा ली, हमें सोचा था थोड़ा सा बड़ा सामान मंगवा ले, थोड़ी बड़ी कैब मंगवा ले, क्योंकि हमारी जो शेवरले है इसके अंदर तो सामान आ नहीं रहा, इतना आ गया था, हमें आपको पता था कि हमारे पास और सामान है और इतना सामान होता है, ज़्यादा मंगाया। अब खैर जो है वो यही है, इसी में डालेंगे सामान, इसके हिसाब से तो कम है बट इसके हिसाब से ज्यादा था। APR की कैब है, इंडिया में है सामान खड़ा, खुद चल रहा है, यहाँ भी खुद चलना पड़ रहा है, लग रहा है इंडिया में घूम के। देखो ये हमारी टैक्सी,
और इसके अंदर तो सीटें भी नहीं, सामान के लिए है ये, कार्गो एक्सपोर्ट करने के लिए बढ़िया है, इंडिया में भी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो अच्छा है काफी। गाइस जो लोग कहते हैं कि VW स्कोडा जितनी अच्छी सेडान प्रोड्यूस नहीं कर सकती, आप खुद देख लो ये खड़ी हमारे सामने पसाट, और ये भाई अलग ही गाड़ी है। ये इंडिया में आती तो बात ही अलग होती, पर इंडिया में लोगों ने इतना फेवर नहीं किया VW की सेडान को, बट ये गाड़ी इतनी अच्छी लग रही है, इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, मज़ा आ गया इसको तो देख के। ये सुपर्ब से इतनी ज़्यादा रोड प्रेजेंस कैरी कर रही है। फिर ये देखो ये हमारी जेटा जो कि इंडिया में नहीं आती, फिर से इसकी जगह सिर्फ एक ही सेडान आती है VW की इंडिया में, वर्टस, उसके अलावा तो कोई और आती नहीं है। फिर एक और देखो VW की सेडान, ये भी पसाट है, ये फ्री फेसलिफ्ट है, नहीं ये जेटा है, ये भी सारी जेटा है, एक जेटा हो रही है, जेटा ये रही, अलग अलग शाही, अलग अलग फेसलिफ्ट, अलग अलग वेरियंट्स जो इंडिया में आए नहीं कभी, जो आने चाहिए थे। कई समझदार बायर्स के चक्कर में, मारुति हुंडई पे जाने के चक्कर में, ये सारी गाड़ियां जो इंडिया में आ सकती थी नहीं आ पाई अनफॉर्चुनेटली। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस एक बहुत बढ़िया चीज पता चली है मुझे, जीप कंपनी यहां पे कपड़े बेचती है, गाड़ियां तो मुझे दिखी नहीं क्योंकि कपड़े बेचती है, लेकिन यहां पे आपको दिख रही होगी यहां पे महिंद्रा थार लगी हुई है जीप के उसमें जीप भाई कपड़े बेचती है यहां पे, गाड़ियां तो दिखी नहीं मेरे को, गाड़ी दिखी आपको जीप की कोई अभी तक? हां हो रही ना तो बस अभी देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मॉल घूम रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है, दिल्ली में 4 बज रहे हैं, यहाँ 6:30-7 बज रहे हैं। कंपस थी तो अभी देखते हैं यार यहाँ पे क्या सीन है, और उसके बाद फिर अपडेट करता हूँ आपको। गाइस सबसे आयरोनिक और सबसे अजीब चीज़ ये है कि यहाँ पे जो एस्केलेटर है वो भी राइट साइड पे ऊपर का है, एंड लेफ्ट साइड पे यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे जाने का, ये एकदम ही मतलब मिरर वर्ल्ड कहते हैं ना, जैसे उस तरीके से चल रहा है सब कुछ यहाँ पे, सब कुछ एकदम उल्टा है। और हमने फाइनली जीप गए थे तो जीप से कपड़े भी ले लिए, वो रहे हमारे कपड़े, क्योंकि भाई अब एक कार गए या फिर ऐसे कोई फैमिली हो तो फिर जीप से ही कपड़े लिए जाते हैं, और कहीं जाने का मन ही नहीं करता, और कहीं कपड़े भी लेने का मन नहीं करता, तो जीप के कपड़े लिए हमने। जीप की गाड़ियाँ तो बिकती नहीं यहाँ पे, पर कपड़े जरूर बिकते हैं गाइस, हमारे यहाँ पे गाड़ी मिलती है, यहाँ पे कपड़े मिलते हैं बलिनों के। ओ भाई मारो मुझे मारो,